दोस्तों, अगर आप भी सूर्य कुमार यादव को एक महान बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच एक सांस थाम देने वाले मुकाबले की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें भारत के मिस्टर 360 डिग्री सूर्य कुमार यादव की खौफनाक बल्लेबाजी ने पाकिस्तानी गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाकर रख दिए। तो वहीं पर अपने तूफानी छक्कों से उन्होंने पाकिस्तान की टीम को ऐसा दर दिया कि वो आने वाले कई जन्मों तक इसे नहीं भूल पाएंगे। साथ ही पारी के 17वें ओवर में सूर्य कुमार ने एक ऐसा कारनामा कर दिया जिसे देखकर सारी दुनिया में तहलका मच गया। आखिरकार कैसी रही सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी और क्या कुछ हुआ पारी के 17वें ओवर में, जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। लेकिन उससे पहले, आप सभी को क्या लगता है कि सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन में कौन है बेहतरीन बल्लेबाज? इस बात का जवाब हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच ऐतिहासिक मुकाबले की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें भारत की तरफ से पारी की शुरुआत करने कप्तान रोहित शर्मा के साथ केएल राहुल आए। शुरुआती झटकों ने भारतीय टीम को बैकफुट पर धकेल दिया और सूर्य कुमार यादव तीसरे ओवर में ही मैदान पर आ चुके थे। लेकिन मैदान पर आते ही सूर्य कुमार यादव ने अपनी पहली गेंद पर शहनवाज धानी की एक गेंद पर ऐसा छक्का लगाया जो सीधा पाकिस्तानी ड्रेसिंग रूम में जाकर गिरा। इस छक्के से भारतीय टीम की उम्मीदों को एक बार फिर से बल मिल गया, यानी कि उन्हें रफ्तार मिल गई और उन्होंने आते ही पाकिस्तानी टीम की गेंदबाजी की जमकर क्लास लेना शुरू कर दी। उन्होंने पारी के चौथे ओवर में गेंदबाजी कर रहे नसीम साहब की तीन गेंदों पर लगातार तीन चौके जड़कर पाकिस्तानी खेमे में सनसनी मचा दी और इनकी खौफनाक बल्लेबाजी भारतीय दर्शकों को दीवाना बना रही थी। उन्होंने भारतीय पारी को बेहद ही आक्रामक तरीके से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। पारी का 10वां ओवर लेकर आते हैं शादाब खान और इस वक्त पाकिस्तान को एक विकेट की दरकार थी, लेकिन सूर्य कुमार यादव तो कुछ और ही सोचकर मैदान में उतरे थे। उन्होंने शादाब खान की तीसरी गेंद पर आगे बढ़कर एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया जो सीधा मैदान के बाहर जाकर गिरा। उनके इस छक्के को देखकर लग रहा था कि सूर्य पाकिस्तान के इस मैच को जीतने के अरमानों को उतनी ही दूर लेकर जा रहे हैं। सूर्य कुमार यादव ने मात्र 17 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, जिसमें उन्होंने तीन छक्के जड़े थे और अपना अर्धशतक पूरा करते ही मानो सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तान के गेंदबाजों का करियर ही तबाह करने का मूड बना लिया था। वो पाकिस्तानी गेंदबाजी अटैक को इतनी बुरी तरह से पीट रहे थे कि पाकिस्तानी खेमे का हर एक गेंदबाज सदमे में जा रहा था। तभी पारी का 17वां ओवर लेकर आते हैं नसीम शाह और इस ओवर में कुछ ऐसा होता है जिसकी कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी। नसीम शाह के इस ओवर में सूर्य कुमार यादव पहली गेंद पर छक्के जड़कर नसीम शाह के पैरों तले जमीन खिसका देते हैं। उनके बल्ले के इस गर्जना ने सिर्फ मैदान ही नहीं बल्कि दुनिया में तहलका मचा दिया। देखते ही देखते सूर्य कुमार यादव ने मात्र 31 गेंदों पर तूफानी शतक पूरा कर लिया, जिसमें उन्होंने 9 गगनचुंबी छक्के तो वहीं 8 चौके जड़े। उनकी इस बल्लेबाजी को देखकर पाकिस्तानी खेमा अभी भी दहशत में नजर आ रहा है। उन्होंने पाकिस्तानी गेंदबाजों की जो हालत की है वो इसे अपने संपूर्ण जीवन में नहीं भूल पाएंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको सूर्य कुमार यादव की ये पारी, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।